गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज की वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, दैनिक राशिफल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 13 नवंबर सोमवार 2023, शुभ संवत 2080, षट संवत 1945, कार्तिक महीना, अंधेरा पार, अमावस्या तिथि और परेवा तिथि। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, आज विशाखा नक्षत्र रात में 4:11 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य पूर्व दिशा, परिहार दर्पण। कहने का मतलब ये है आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पूर्व दिशा की यात्रा करना चाहते हैं तो दर्पण देखकर अगर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, कुलिक काल दिन में 1:30 से 3 बजे तक, यमगंड काल 10:30 से 12 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो दोनों काम अगर गुलिक काल में करते हैं तो आपके कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको आगे की कड़ी की तरफ लेकर चलते हैं। राशि परिचय। अपने नाम के प्रथम अक्षर से राशि ज्ञात करें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इन्हें इस प्रकार समझें जैसे कि प्रा। बहुत से लोगों के नाम प्रा से शुरू होते हैं, जैसे प्रमोद हैं, प्रियंका हैं, तो आपको प्रा से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रा को आप पा से देखें, कहने का मतलब प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से भी बहुत लोगों के नाम हुआ करते हैं, जैसे त्रिवेणी है, त्रिलोकी है, तो त्रा से आप परेशान न होइए, त्रा को आप ता से देखें। कहने का तात्पर्य यह है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरह से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से भी बहुत लोगों के नाम हुआ करते हैं, जैसे ज्ञानचंद हैं, ज्ञान बहादुर हैं, तो ज्ञा से आप परेशान न होइए, ज्ञा को आप गा से देखें। कहने का मतलब ये है ज्ञा को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा होता है और श्रा से भी बहुत लोगों के नाम हुआ करते हैं, तो श्रा से आप घबराइए नहीं, श्रा को आप श्रा से देखें। कहने का तात्पर्य है श्रा को आप कुंभ राशि में देखें। अब हम आपको आगे की कड़ी की तरफ लेकर चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि। मेष लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए लकी है। रोजी रोजगार में लाभ होगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, माता का सुख मिलेगा, शरीर में प्रसन्नता रहेगी। विशेष उपाय हनुमान जी पर बेसन के लड्डू चढ़ाएं। टोरस यानी वृषभ राशि। वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज आप झगड़े झंझट से सावधान रहें। आपके शरीर में रोग आने की भी संभावना दिख रही है। भाई बहन से मतभेद होने के भी चांस हैं, धन हान होने के योग हैं। विशेष उपाय अपने वस्त्रों पर अच्छा सा परफ्यूम प्रयोग करें। जियमनी यानी मिथुन राशि। मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज संतान से सहयोग मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विद्या का लाभ होगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, धन संग्रह करने के योग दिखाई दे रहे हैं, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकारी स्थानों से लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय अपने पास हरे रंग की रुमाल रखें। कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क लग्न राशि के जातकों, आज जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। माता का सहयोग मिलेगा,
सरकारी अधिकारी आपके अनुकूल रहेंगे, पिता का सुख प्राप्त होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। विशेष उपाय, जल का नुकसान न करें, यानी फिजूल पानी न बहाएं। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातक को आज के दिन भाई बहन से मतभेद होने के दिखाई दे रहे हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, भाग्य में बाधा पड़ेगी, अपयश मिलने के दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, लाल वस्तुओं का दान करें। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातक को आज परिवार का सहयोग मिलने का योग दिखाई दे रहा, धन लाभ भी होगा, धन संग्रह होने के भी योग है, आयु में वृद्धि होगी। विशेष उपाय, गाय को हरी पालक खिलाएं। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए उत्तम है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, गृहस्थ सुख मिलेगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजी रोजगार में लाभ होगा, पिता का सुख मिलेगा। विशेष उपाय, पत्नी का अपमान न करें और पत्नी पर भरोसा रखें। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों आज खर्चा अधिक होगा, बाहरी स्थानों से सहयोग मिलेगा, कंपटीशन में कामयाबी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, भाग्य प्रबल है। विशेष उपाय, हनुमान जी पर लाल पुष्प चढ़ाएं। सजिटेरियस यानी धनुराशि, धनु लग राशि के जातकों आज धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, आयु में वृद्धि होगी, परंतु संतान से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, दिमागी उलझन बढ़ने के भी योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, माथे पर असली केसर का तिलक लगाएं। सजिटेरियस यानी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों आज का दिन शुभ है, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, पिता का सुख प्राप्त होगा, समाज में यश प्राप्त होगा, माता का भी सहयोग मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, कड़वा तेल दान करें। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों आज भाई बहन से मतभेद होने के दिखाई दे रहे हैं, भाग्य में बाधा पड़ेगी, धार्मिक कामों मन नहीं लगेगा, झगड़े झंझट की स्थिति से सावधान रहें। विशेष उपाय, लोहे की वस्तु दान करें। पाइसेस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों आज आप संतान से मतभेद होने के दिखाई दे रहे हैं, दिमागी उलझन बढ़ सकती है, परंतु आयु में वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा, धन संग्रह करने के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, अपने पति का सम्मान करें। अगर अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपनी राशि को लग्न से देखें, अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तो हमसे संपर्क करके निःशुल्क अपने लग्न की जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना, हस्तरेखा परीक्षण, जन्म पत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता।